तो हमें इस साइड से ऐसे चल चल के जाना पड़ेगा, देन हम वहां पहुंचेंगे। ये देखो बदन खोल के क्या कर रहे हो, ये सब गलत बात। और इतना तेज फेस पे पानी आ रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। लैंडस्लाइड हुआ था इस वजह से। डॉगी है वो, चिल्ला दीजिए इसको। डॉगी पे चिल्ला रहा है, देखो हेलो गाइस, दिस इज बिलाल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइड एट लिमिट। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता होगा हम लोग निकले हैं रोड ट्रिप पे, एंड ये रोड ट्रिप काफी अमेजिंग चल रहा है अभी तक हमारा, बहुत ही एडवेंचर। और लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, हम अभी आए हैं ऋषिकेश से चकराता यार। एक्चुअली ऋषिकेश में हम राफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकते थे क्योंकि और वहाँ पे और घूमने की चीजें सारी बंद थी बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड हुआ था इस वजह से। एंड अभी हम लोग यहाँ पे चकराता रात पहुँचे थे। रात बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना था यार, मतलब हर 100-200 मीटर पे ना लैंडस्लाइड हुआ था, हर 100-200 मीटर पे लैंडस्लाइड। और एक्चुअल में रास्ते तो बने हुए थे बट देख के तो फट जाती है यार, हम लोग पहाड़ों से नहीं है, हम लोग दिल्ली से। बट यार मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। एक बार व्यू देखो, ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है ना। ये देखो, ये बर्फ वाली पहाड़ है ऊपर ना, हम लोग वहाँ से चल चल के आए, उधर से ऐसे चल चल के आए हम लोग। तो अभी हमने नाश्ता वाश्ता किया, होटल चेकआउट करे, और चेकआउट करने के बाद इधर आए हम लोग। एंड अभी आपको मार्केट भी दिखाता हूँ, छोटा सा मार्केट है यार, बहुत शांत जगह है, बहुत क्लीन है, मतलब गंदगी नहीं है जैसे देखो ऐसा है नीचे, बहुत क्लीन है। आप कहीं भी देखोगे इधर आओगे ना, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं बट क्लीन है यार काफ़ी, और अच्छा लगा ये देख के, काफ़ी क्लीन है। और ये है पीछे का व्यू, और अभी हम लोग जाने वाले हैं टाइगर फॉल जाएंगे। टाइगर फॉल पे देखते हैं क्या है, और भी कुछ फॉल के अलावा और भी कुछ होगा शायद से, जहाँ तक कि सुना है मैंने। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बट आ सकते हैं यार, अच्छी जगह है। रात में जब हम लोग आए तो लोगों ने कहा भाई उस टाइम ट्रैवल कोई भी नहीं करता जिस टाइम आप लोग आ रहे थे, तो हम 11 बजे आ रहे थे और हमारी गाड़ी का डीजल हो गया खत्म, तो वापस हमें 10-12 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ा, और जो लास्ट पेट्रोल पंप था रिलायंस का वहाँ से डीजल हमने डलवाया, फुल कराया, उसके बाद वापस फिर हम ऊपर चढ़े। तो हमें हो गया था 11:30 बजे और काफ़ी ठंड हो रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से होटल मिला, फिर हमने चेक इन किया। चेक इन वेकिन करने के बाद सोए, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये अजान को दिखाता हूँ मैं, भाग रहा है, इसे नीचे छोड़ दो जरा, चलो अजान आ जाइए, कम मौसम साफ हो गया है। जब हम मॉर्निंग में ना बहुत ज्यादा बादल थी, हो गया बस। तो यार अभी मौसम ही बदल गया बिल्कुल ना, लगता है बारिश होगी। ओह माय गॉड, बाय बाय चकराता, अब यहाँ से टाइगर फॉल जाएंगे। टाइगर फॉल मैं जब आई थी देन तो मैं ऐसी वाली गाड़ी चाहती थी। कैसी वाली गाड़ी से? अच्छा बुलेरो से। हाँ। इसे बुलेरो कहते हैं। गाड़ी ले आए क्या फैसल? क्यों? अरे यार, और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो बंदर मामा पहन पजामा, टमक टमक ससुराल चले। और भाई क्या हाल चाल? सो गाइस, हम हैं चकराता में, ये देहरादून मतलब मसूरी के अपोजिट साइड पड़ता है, छोटा सा ही है शहर चकराता। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम टूरिज्म है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एक ही है टाइगर फॉल, वहाँ पे लोग आते हैं विजिट करते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, जब मैं ऋषिकेश में था तो
मैं नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाऊंगा। तो हम ओली जाने का प्लान कर रहे थे बट ओली नहीं गए क्योंकि ओली में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था और लैंडस्लाइड तो ऋषिकेश में भी हो रहा था। हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हमें वहां से निकलना पड़ा थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। घूम लेना तो कुछ है नहीं बट फिर भी Oh my God! नहीं नहीं निकलते नहीं 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 यहाँ से यहाँ चले कुछ ये चीचे गिर जाती यजन 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 तो गाइज निकल चुके हैं हम लोग चक्राता से टाइगर फॉल के लिए। यार मतलब यहाँ पे एक आधे लोग भी नहीं मिले मुझे कि कोई भी मिला हो जहाँ पे मतलब कि हाँ यार और भी कोई घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कम लोग आते हैं मतलब ना बहुत कम लोग यहाँ पे। और ये देखो छोटा सा झरना मिल गया हमें। देखो यार हम यहाँ पे रुक गए थे अभी। ओहो ऐसी जगहों पे घर बना लो, ऐसी चोटियों पे और रह लो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। और देखो गाइस पीछे हमारे झरना बह रहा है, पीछे का नजारा देखो। तुम लोग हट जाओ वहां से, हटो। क्या करूं, फोटो नहीं लेगा भाई, पैसे लगेंगे। बहुत ठंडा पानी है यार, मैं दिखाऊं आपको, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। ये देखो यार मेरा मन कर रहा है ना ऐसा नीचे कूद जाऊं, मतलब डर भी नहीं लग रहा है, इतना खूबसूरत है ना कि मैं बता नहीं सकता। एक तो खूबसूरत वादियाँ, ऊपर से सनरूफ वाली गाड़ी, मजा। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ गुड, टॉफी दो इनको सबको, बिस्किट दे दो, चलो दे दी उनको भी दो, गुड। इसको भी दे देना है, और है बिस्किट है, इसको भी दो, चलो बाय। गाइस टाइगर फॉल पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे क्या लग रहा है, नजारा कितना बेहतरीन है। और यासान तो बहुत सारा हमने स्वेटर पिला दिया था, क्यों, क्योंकि ठंड हो रही थी काफी ना इसके लिए। ये देखो देखो वहां से आ रहा है, अभी हमें वहीं नीचे जाना है। तो अभी हम नीचे चलते हैं फटाफट, बहुत देर हो गया वैसे यार, 4 बज चुके हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं इधर। ये देखो यार बहुत ही जबरदस्त, कितना मतलब हल्की हल्की छींटे पड़ रहे हैं चेहरे पे, अगर आप लोग देख पाओ तो, कैमरा में वो दिख नहीं पाएगा यार एक्चुअल में ना। तो इधर ये नंगा पुंगा ये देखो बदन खोल के क्या कर रहे हो, ये सब गलत बात। ठंडा पानी है, शायद मैं बीमार पड़ जाऊं, पता नहीं है। देखो बहुत ठंडा पानी है, अब ना बहुत ज्यादा पानी तेज तेज फेस पे आने लग गया।
अगर आप लोग आवाज सुन पा रहे हो ना, सुन लेना मतलब कितने दूर मैं खड़ा हूँ और इतना तेज फेस पे पानी आ रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब लिटरली मेरा कैमरा हो गया, इतने दूर से भी पानी का भयंकर वो आ रहा है ना। और मैं अपना फोन लेके आया यार, थैंक गॉड मेरा फोन वाटर प्रूफ है, प्रॉब्लम इसके लिए लेके आया मैं, कैमरे पे पानी जम गया भाई। सो गाइस मैं तो नहा के आ चुका हूँ यार, और मैं ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट बहुत, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ यार। वहाँ पे सांस ही नहीं लिया जा रहा था, इतनी तेज़ हवा के साथ पानी मुंह पे आ रहा है ना कि वो सांस लेने का ही मौका नहीं दे पा रही थी। वो बहुत हो गया, इसके लिए मैंने कहा नहीं यार अब मैं चलता हूँ। बेटा इसमें देख लीजिए और चुप कीजिए, वो देखो सिम्बा, सिम्बा उधर, सिम्बा वो, सिम्बा सिम्बा वही सिम्बा। किसी को नहीं सुनता, सिम्बा को सुनता है बस। और यहाँ घूम घूम के पूरा ये देखता रहता है, डॉगी वॉगी कुछ भी कुछ भी। वो देखो डॉगी देख के हूँ कर रहा है। बहुत अच्छी जगह है यार, मज़ा आ गया। मतलब ना पैसा वसूल, बहुत अच्छी जगह है। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, क्राउड नहीं है, बहुत सही है। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ से निकल गए थे और ये मैंने ले लिया बुलबुल का बच्चा पीने खातिर। यहाँ पे रुके मैगी वैगी खाएंगे, मस्त पहाड़ों की मैगी। ये यहाँ पे अगर आप यहाँ आते हो ना तो पहले तो टिकट नहीं लगता था, बट अब यहाँ पे 30 रुपया पर्सन टिकट लगता है। नीचे कार ले जा सकते हो 2.5 किलोमीटर नीचे में आपको कार लगा के, और अगर कार नहीं लगाना है आपको, 2.5 किलोमीटर नीचे नहीं जाना है, अगर कार यहाँ पार्क नहीं करना है तो आप 30 रुपये पर्सन का टिकट लो, और टिकट लेने के बाद आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे जा सकते हो। जो कि मैं अभी आपको सीढ़ी दिखाता हूँ, कहाँ पे सीढ़ी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू पॉइंट, दिस इज द व्यू पॉइंट, ऊपर चलते हैं। ये व्यू पॉइंट है, इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। काफी अच्छा व्यू है, फोटोज के लिए बुला सकता हूँ मैं सबको, बाकियों को। ये घोड़ी की टट्टी पड़ी है चारों तरफ, अच्छा व्यू पॉइंट है भाई। वहाँ जो हमने उसमें नहाया, नहाने के बाद मज़ा आ गया यार, पूरा बॉडी सा हल्का हल्का सा हो गया। और वो फॉल उस साइड है कहीं, ये रही उस जाने का रास्ता उसका, यहाँ से सीढ़ी 1 किलोमीटर तक आपको चल के जाना पड़ेगा। तो हम इसलिए नहीं गए थे 1 किलोमीटर तक चल के क्योंकि हमारे साथ याजान था, तो याजान को लेकर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो लेके तो हम चले जाते, वापस ऊपर चढ़ने में ना हालत हमारी ख़राब हो जाती, तो इसके लिए हम नहीं गए थे। और यार हमें ऊपर जाना है बिल्कुल वहाँ, वो देख रहे हो आप, उस साइड जाना है हमें, तो हमें इस साइड से ऐसे चल चल के जाना पड़ेगा, देन हम वहाँ पहुँचेंगे। मौसम बढ़िया है, जगह बहुत अच्छी है, अगर आप लोग कभी भी आना चाहो तो बेशक आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ यार कार से ज़्यादा मज़ा ना बाइक से आने में, व्यूज़ भी अच्छे एंड बाकी सारी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं बाहर, मतलब चक्राता से भी नीचे उतर गए हम लोग, ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को करता हूँ यहीं एंड। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। बाय बाय।